जी हाँ दोस्तों, आज सिद्धू मूसेवाला जी का जो है बर्थडे किया गया है और अभी अभी जो है कैंडल मार्च भी निकाला गया। 29 मई ये वो दिन है जब सिद्धू मूसेवाला जी की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, आज के दिन फैंस अलग अलग तरह से जो है सिद्धू मूसेवाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में लास्ट राइड, आपको बता दें, लास्ट राइड लिख कर जो है फूलों से सिद्धू मूसेवाला जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनकी मूर्ति भी बनाई गई और वहां पर माँ चरण कौर जी पहुंचकर अपने हाथों से जो है फूल अर्पित भी किए अपने बेटे के उस लास्ट राइड पर। ये फैंस के द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें, ये जो लास्ट राइड का डेकोरेशन जो किया गया था, जहां पर सिद्धू मूसेवाला जी का जो है अंतिम यात्रा हुई थी, वहां पर सिद्धू मूसेवाला जी के नाम से जो है मूर्ति बनाई गई और वहां पर गुलाब की पंखुड़ियों से जो है सजावट किया गया। आपको बता दें, फैंस लगातार सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस दिलाने के लिए हर वो तमाम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सिद्धू की माँ चरण कौर जी के चेहरे पर जो है हल्के सी मुस्कान आ सके। लेकिन आज भी माँ उसी प्रकार से रो रही है जिस प्रकार से पहले दिन रो रही थी जब सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या हुई थी। आपको बता दें, आज भी वही आंसू उनकी आंखों से निकल रहे हैं और एक एक आंसू यही पूछ रहा है कि मेरे बेटे को जस्टिस कब मिलेगा, मुझे इंसाफ कब मिलेगा। वेल, जो भी आपकी राय है सिद्धू मूसेवाले जी के इंसाफ ना मिलने को लेकर, जरूर अपनी राय कॉमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिएगा। #justiceforsiddhumoosewala जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जरूर लिखिएगा दोस्तों। भी जिमें भगवंत मान मुख्यमंत्री साहब गप से गप बोली जाते हैं, कल कि ना कह देना भी सिद्धू तो इंसाफ मिल गया। भी सानू कोई इंसाफ नहीं मिले, जिन्ना चेर मास्टर माइंड नहीं फड़े जाते उन्ना चेर कोई इंसाफ नहीं। जे ऐसे तरह ही हरियाणा यूपी बिहार तो अपने जवाकों आके मारते रहे, अपने पले कख नहीं रहना, क्योंकि हम तो बाहरलियां कंट्रियां भी जवाब दे रही हैं, हम कि बच्चों झलन गियां।